हॉरिजॉन्टल पे करना है आज मेरे ऊपर में हॉरिजॉन्टल पे है वो नहीं इसको ऑटो रोटेशन आज स्टैंड टेढ़ा कैसे होगा तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम हॉरिजॉन्टल पे है ना ये हॉरिजॉन्टल पे इसलिए बोले आज तो मेरे ऊपर में ठाकुर का कृपा है बंद कौन करता है जीवन में एक सत्पुरुष से करना एक ये वाला टाइट करते हो ना लेकिन आज देखो 88,000 ऋषि यहां पर उपस्थित पता जगह नहीं आज आज तो मेरे आज यहां से सेट किया है तब उन्होंने ऋषियों को प्रश्न करते हैं बोले हे ऋषियों बोले अत्यवा अब्द सतांते वा प्राणी वही मृत्युना ध्रुव बोले आज हो नहीं तो 100 साल के बाद में क्यों नहीं हो सबको एक दिन ही मरना पड़ेगा मरणशील व्यक्तियों का कर्तव्य क्या है आप कृपा करके बताओ लेकिन नासो मुनिर्जस्य मतम न भिन्नम वहां पर ऐसे कोई ऋषि नहीं थे जिसका मत ही अलग नहीं किसने कहा भैया गणेश जी की पूजा करो जिनकी पूजा करने से सारे विघ्न दूर हो जाएगी किसने कहा भैया उसका मैया क्या कहीं चली गई इसी मैया देवी को पूजा करो नवदुर्गा रखो व्रत रखो बोले भैया इन 9 दिन का इनको स्मरण करो तीसरा दूसरा काम है ठाकुर जी की कीर्तन करो और तीसरा काम है भगवान की कथा सुनो यदि ये एक ही सिद्धांत पर पहुंचेंगे लेकिन ये तो आपस में तर्क वितर्क करना शुरू कर दिए तो उन्होंने मन मन में ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए प्रभु जी आप ही मुझे कृपा करके मातृगर्भ में दर्शन दिया था अभी मेरी अंतिम समय में केवल एक ही व्यवस्था कर दो जैसे 7 दिन तक तुम्हारी कथा सुनते सुनते मेरी जीवन बीत जाए तब भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए बोले श्री सुखदेव महाराज की जब श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए वहां पर उनके पिताजी भी बैठे हुए थे सबको उन्होंने प्रणाम किया सबको उन्होंने आदर दिया है आदर दे करके व्यास गद्दी पर उन्होंने बैठ गए शिक्षा देते हैं भैया जो गुरुजनों को हमें आदर देनी चाहिए ऐसे नहीं पिताजी हमें ज्यादा लिखा पढ़ा सिखा दिए बड़े होकर के बोला रहे तुम क्या जानते हो हम इतने लिखे पढ़े सीखे नहीं हर समय गुरुजनों को आदर दो प्रणाम करो सभी को यथा योग्य हमें सम्मान देनी चाहिए जो गुरुजनों को आदर देते हैं उनका बल सौंदर्य ऐश्वर्य श्री ये 4 चीज जगत में उसकी बढ़ोत होता है जगत में वो व्यक्ति फलता भूलता है सबको उन्होंने प्रणाम करते हुए ने व्यास गद्दी पर बैठ गए तब श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न की झड़ी लगा दी बोले अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा बोले हे सुखदेव गोस्वामी जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को ये लगे जीवन में हमें सब कुछ मिल गया जीवन में सब सुख हमें मिल गया लेकिन इसी जगत में आप देखिएगा भले करोड़पति अरबपति हो गए कोई लेकिन आप देखना इसी जगत में किसका जी नहीं भरता है कहते ना भाई कमाई करो कमाई मतलब क्या है बोले कम आई और ज्यादा आनी चाहिए ये जगत में एक फैक्ट्री हो गया दूसरे फैक्ट्री कैसे तीसरी घर हो गए चौथी घर कैसे आप देखना कोई तृप्त नहीं होते जगत में इसलिए इनकी प्रश्न है जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को तृप्ति मिल जाए जीवन में हमें सब कुछ मिल गया इसलिए आप कृपा करके हमें ये बताओ हमें क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए ये प्रश्न सुन करके सुखदेव गोस्वामी बोले बरियान असते प्रश्न कृतलोक हृतम नृपम बोले हे परीक्षित तुमने जो प्रश्न की ना
बड़ी सुंदर प्रश्न की है, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जो उस प्रश्न का सराहना आत्मा में जो रमण करने वाले जोगी लोग भी तुम्हारी प्रश्न की सराहना करेंगे। वाह क्या तुमने प्रश्न की, बोले देखो ये प्रश्न की उत्तर सुना, बोले आप बताओ, बोले देखो जो जीव है कि जो मानव शरीर हमें दिए हैं ये बड़े भाग्य से ठाकुर जी हमें दिए, जिसको भगवान राम अयोध्या वासियों को बैठा करके समझाते हैं। बोले क्या समझाए, बोले बड़े भाग मानो सन पावा, मानो सन पावा बड़े भाग मानो सन पावा, बड़े भाग मानो सन पावा, सूर दुर्लभ तद ग्रह तन गावा, सूर दुर्लभ सज ग्रह तन गावा, साधन धामो मुक्त कर द्वारा, साधन धाम मोक्षी कर द्वारा, पाई न जई पर लो का सवारा, पाई न जई पर लो का सवारा। भगवान कह रहे हैं हे अयोध्या वासियों, भगवान हमें जो मानव शरीर दिया है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देखो आप पुण्य करके स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन इस स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं जो काम करके फिर आप मानव बन सकते हो। और कहां पर, बोले भारत में, बोले कौन सा कुल में, बोले हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। इसलिए भागवत में का एकादश स्कंध में प्रार्थना कहते हैं, देवता लोग भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी हमें कृपा करके भारत में जन्म दो। क्यों, जितने भगवान कहां पर आए, राम कृष्ण नरसिंह जितने भगवान कहां पर आए, हमारी भारत भूमि में आए। जितने पुण्य नदी देखो, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री, बताओ ये कहां पर, सबके सब कहां पर बोलो। इसलिए हमारा देश का नाम भारत, भारत मतलब क्या है, भा मतलब प्रकाश, रत मतलब होता है हर समय जो प्रकाश का तरफ में रत रहते हैं, मतलब प्रभु की भक्ति की तरफ में जो रत रहते हैं, ये श्री भारत भूमि है। बोले श्री भारत माता की, कोई जयकार नहीं दे रहे, बोले श्री भारत माता की जय, बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए भगवान कहते हैं ये भारत में जन्म लेना, कोई माता जी आगे आगे बढ़ जाओ, कोई सुनित माता सामने बढ़ जाओ। इसलिए कहते ये भारत भूमि में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं, लेकिन ये मानव शरीर को बच्चों को मत बुलाएगा, तुमको डिस्टर्ब करेगी, खुद वो कथा सुनने देगी तुम्हें भी सुनने देगी। इसलिए बोली कहते ये जो मानव शरीर को इतने दुर्लभ क्यों बताया, बोले भैया क्या कारण है, बोले कारण है कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवार। इसलिए ये मानव शरीर की इतने महत्व है, केवल इसी मानव शरीर में ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम मुक्ति केवल ये मानव शरीर में ही हम पा सकते हैं। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले बराही तते नयने, अगर इन्हीं आंखों से अगर ठाकुर जी को दर्शन नहीं किया, बोले भैया मोर पंख में भी बड़े सुंदर सुंदर आंख है, वो आंख का क्या होता है, कहते आंख नहीं पांख है, दिन भर टीवी को सामने बैठ करके इधर उधर की सारा दुनिया चीज देखते हैं, लेकिन इन आंखों से ठाकुर का दर्शन नहीं करते हैं,
कहते ये जीवा अगर इन्हीं जीवा से हम ठाकुर जी का नाम जप नहीं करते हैं, दिन भर टट्टर जैसे मेढक होता है ना, दिन भर जैसे टट्टर करता है, ये दुनिया की बात की टट्टर टट्टर कर रहे हो, अगर बोले भैया थोड़ा भगवान के नाम पर बोले तो समय कहाँ है। कहते जीवा क्या है, बोले ये मेढक का जीवा है। इसलिए भागवत में उदाहरण दिया, देखना जैसे बरसात का समय पर ये मेढक टट्टर टट्टर करता है, ये सर्प का आहार होता है मेढक। अब ये सर्प दिखता है अपना आहार ढूंढने, हमें जरूरत नहीं, अपना आहार तो मुझे ही ढूंढ रहा है। धीरे धीरे ये सर्प आकर के, काल सर्प आकर के एक दिन उसको निगल जाते हैं। बोले भगवान ने ये दोनों हाथ क्यों दिए हैं? बोले सबो करो वा कुरु तसपर्ज्या। कहते यहां से यहां तक लेकर के अपना हाथों में हमने माता जी के बच्चों को लेकर पूछो बेटो, इन्हीं हाथों से कंगन, यहां से यहां तक हाथों में कंगन पहन रखे, लेकिन इन्हीं हाथों से ठाकुर को हम सेवा नहीं करते हैं। कहते वो हाथ नहीं, बोले सबो करो, वो हाथ है मृत हाथ है, लेकिन इन्हीं प्यार से हम भगवान के मंदिर परिक्रमा नहीं करते हैं, तुलसी गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा नहीं लगाते। कहते ये प्यार क्या है, बोले द्रुम जन्म भाजो, द्रुम मतलब होता है वृक्ष। कहते ये सब पेड़ क्यों हुए, इन लोग ने इसे कौन सा कर्म की भगवान पेड़ जन्म दिया। ये भागवत कहता है सारा दुनिया तो हम घूमे लेकिन कभी तुलसी की परिक्रमा नहीं लगाई, कभी भगवान के मंदिर की परिक्रमा नहीं लगाई, कभी हमने गिरिराज परिक्रमा नहीं लगाई। भगवान ने कहा जिंदगी भर दुनिया में घूमे हो, एक बार मेरे धाम में आकर परिक्रमा नहीं लगाई, जाओ तुम पेड़ बन करके एक जगह पर खड़े रहो, वहीं पर खड़े रहो, घूमने का जरूरत नहीं। कहते भैया ये सर को बड़े सुंदर श्रृंगार किए लेकिन ये सर को हमने ठाकुर जी के चरण में नतमस्तक नहीं की, ठाकुर जी के चरण को प्रणाम नहीं की। कहते ये सर क्या है, बोले भार परम कीट जुरस्ट पटम। कहते केवल ये सर नहीं, ये केवल एक भार सदृश है जो तुम्हें भव सागर से तुम्हें डुबो देगा। इसलिए सुत गोस्वामी कहते परीक्षित, ये सारे इंद्रियों का तभी सार्थकता जब ये सारे इंद्रियों से हम भगवान की भक्ति करेंगे। अगर भक्ति करेंगे तो क्या होगा, फिर तुम्हें ये भव सागर से उधार मिलेगा, भव सागर से मुक्त होकर के तुम ठाकुर जी के पास में जा सकते हो। अब विशेष करके भगवान कलयुग में क्या बोले, भगवान का नाम कीर्तन करो, ये सबसे सरल उपाय है। घर में जो कुछ काम करो ठाकुर जी को सेवा मान कर, हाथों में झाड़ू लगाओ, घर में झाड़ू लगा रहे हो, बोले कहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, बोले ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। जैसे गोपियां घर में, वो भी तो घर गृहस्थ थी ना, भैया धूप को यहाँ से हटा दो, ये धूप को। कहते गोपियां तो भाई घर गृहस्थ थी, वो भी तो घर में रहती थी, लेकिन जो कुछ करती थी हाथों में कृष्ण सेवा मान कर करती थी, घर में झाड़ू लगाती थी, इधर मुंह में क्या बोलती थी, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कल मैंने बताया था ना आपको, जब कीर्तन हो चुपचाप नहीं बैठनी चाहिए, कीर्तन को पीछे पीछे मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए कीर्तन करनी चाहिए। मैंने कल बताया था जो भगवान का कीर्तन में ताली बजाते हैं, अगर भाग्य रेखा अगर थोड़ी उल्टा पुल्टा होना, भगवान ही ये भाग्य रेखा बदला सकते हैं, दुनिया में कोई हमारे भाग्यों को नहीं बदला सकते। इसलिए जब हम ताली बजाते हैं क्या होता है, ताली बजाने पर हम किसकी दरबार में ताली बजा रहे हो, ताली हम क्यों बजाते हैं, किसकी स्वागत में, लेकिन यहाँ पर किसकी स्वागत में ताली बजा रहे हो,
ठाकुर जी। अगर भगवान की कीर्तन में ताली बजाओगे तो फिर क्या होगा, भाग्य रेखा बदला देंगे ठाकुर जी, नहीं तो घर घर में ताली बजाना पड़ेगा फिर तुम्हें। ताली कौन बजाते हैं इसलिए, नहीं तो घर घर में ताली बजाना पड़ेगा, इसलिए भगवान भाग्य रेखा बदला देंगे, इसलिए सबके साथ ताली बजाते हुए ठाकुर का कीर्तन करो। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, वृंदावन में राधे राधे, सेवा कुंज में राधे राधे, कान गली में राधे राधे, कान गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, प्रेम से बोला राधे राधे, प्रेम से बोला राधे राधे, खाली बजा के राधे राधे, खाली बजा के राधे राधे, आगे बोले राधे राधे, पीछे बोला राधे राधे, भैया बोले राधे राधे, बहना बोला राधे राधे, कंपली बोला राधे राधे, जोर से बोला राधे राधे, आवाज ना आई राधे राधे, आवाज ना आई राधे राधे, अरे मुंह तो बोला राधे राधे, अरे मुंह तो बोला राधे राधे, अरे जोर से बोला राधे राधे, जोर से बोला राधे राधे, राधे 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 राधे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो कुछ घर में करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम, मुंह में ठाकुर जी का बस हो गया बेड़ा पार है। भगवान सबसे सरल उपाय रखते, लेकिन जो ये जीवन पाकर को भक्ति नहीं करते हैं, कहते हम क्या करके ये जीवन को बिताते हैं, बोले दिन में दो काम करते हैं और रात को दो काम,